इस वक्त मेरे साथ मौजूद है एनसीपी की सांसद फौजिया खान जी। फौजिया मैम, जिस तरीके से कल अखिलेश यादव जी की मुलाकात हुई है पवार साहब से और थर्ड फ्रंट की बात हो रही है, तो विपक्ष में जो एकजुट होने की बात हो रही थी वहाँ पर अब वो थोड़ी सी दरार नजर आ रही है? मुझे तो लग रहा है कि एकजुट होने का एक आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये जो हमने 3 दिन पार्लियामेंट में प्रोटेस्ट किया है, उस समय तो उस मुद्दे पर पूरे पार्टीज एक जगह थे, कोई पार्टी ऐसी नहीं थी जो अलग होगी। तो मुझे लगता है, आशा है कि सारे विपक्ष के पार्टियां एक जगह जमा होंगी। लेकिन मैम, थर्ड फ्रंट की बात हो रही है, उसमें कांग्रेस का जिक्र नहीं हो रहा, क्योंकि जो है अगर जो है सारा विपक्ष होता तो कांग्रेस की भी बात होती, लेकिन थर्ड फ्रंट की बात हो रही है, इसका मतलब जो कांग्रेस के अलावा क्या ऐसा आपको लग रहा है कि कांग्रेस को छोड़कर के बाकी पार्टी देख सकता? मुझे लगता है कि कांग्रेस और सब मिल के होनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के बिना मजबूत थर्ड फ्रंट होगा ऐसा मेरा अपना वैयक्तिक ख्याल नहीं है जी। और सबके बीच में अरविंद केजरीवाल अलग बयान दे रहे हैं, वो कह रहे हैं हम अलग चुनाव लड़ेंगे, थर्ड फ्रंट की बात अलग हो रही है, ममता दीदी कुछ और कह रही है। तो विपक्ष एक बात हो रही थी कि 2024 में साझा तौर पर मुकाबला करेगा पीएम का या मोदी सरकार का, आपको लगता है कि वहां पर अभी भी जो बहुत सारे जो सवाल हैं? प्रयास चल रहे हैं और कामयाबी की उम्मीद है। प्रयास चल रहे हैं, कामयाबी की उम्मीद है, हालांकि फौजिया खान जी का साफ तौर पर ये कहना है कि कांग्रेस के बिना थर्ड फ्रंट कितना मजबूत होगा उस पर अपने आप में सवाल है, ये उनका निजी राय है, लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके के बयान आ रहे हैं वो विपक्ष की साझा एकता के ऊपर सवाल तो खड़े ही कर रहा है। अंकित गुप्ता, बीपी न्यूज़, दिल्ली।